अनस्टॉपेबल बनो, अजय बनो, जिसे कोई रोक ना सके, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या सिचुएशन ही क्यों ना हो, कोई भी आपको रोक ना सके। भगवान ने हमें इतनी बुद्धि तो दी है कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं। कामयाब होने के लिए ज्ञान जरूरी नहीं है, बल्कि एक जिद ही काफी होती है। अगर आपके अंदर जिद होगी तो आप बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। आपको पता है इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे कुछ भी करा सकती है, चोरी करा सकती है, हमको बुरा इंसान बना सकती है? और वो है सिचुएशन, आपके हालात, दोस्त। हालात इंसान से वो करा सकते हैं जो कोई नहीं करा सकता। पैसों का लालच आपसे वो चीज नहीं करा सकता है जो पैसों की कमी आपसे करा सकती है। अपने आप से सवाल पैदा करो कि जो ये मैं कर रहा हूँ वो पर्याप्त है मेरे उस सपने के लिए जिस सपने को मैं पाना चाहता हूँ? और अगर वो पर्याप्त नहीं है तो उसे पर्याप्त बनाओ। जिंदगी बड़ा बनने के लिए सिर्फ एक ही मौका देती है। अगर आप हार गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदगी जब मौका दे तो उस मौके को यूज करके अपनी जिंदगी बदल दो। जीनियस आर नॉट बोर्न बट मेड। जीनियस पैदा नहीं होते बल्कि जीनियस बनाए जाते हैं, या फिर यूं कहूं कि वो परेशानियों के चलते जीनियस बन जाते हैं। हर वो काम करो जिस काम से तुम्हें सफलता मिलती हो, जिस काम से तुम अपने सपनों को पा सकते हो। अगर काम करना स्टार्ट नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है कुछ करने का, कुछ बनने का, अपनी पहचान बनाने का। जिंदगी कभी किसी को दोबारा मौका नहीं देती है, लेकिन अगर आपको मौका दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। उस मौके को बिल्कुल मत गवाओ, क्योंकि वो मौका आपके हाथ से निकल गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप हेल्थी पैदा हुए हो तो आप में ऐसी कोई कमी नहीं है कि आप सफल नहीं बन सकते। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि हेल्थी पैदा ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपना एक अलग नाम बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि महान लोग अस्पतालों में पैदा नहीं होते, बल्कि वो अपनी चॉइस से महान बनते हैं। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग, उनके हाथ पैर ना होने के बावजूद भी वो दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट हैं। उन्होंने स्पेस के बारे में ऐसी ऐसी थ्योरी दी हैं जो शायद आज तक कोई नहीं दे पाया। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें दुनिया पागल कह दी थी और दुनिया कह दी थी कि ये लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, और उसी लड़के ने ब्रह्मांड का रहस्य सॉल्व कर दिया। हमारे आर्यभट्ट जी को भी पागल कहा जाता था और उन्होंने दुनिया को जीरो का महत्व बताया। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत सी स्किल्स होती हैं उनके अंदर, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर दुनिया विश्वास भी नहीं करती है, और वही लोग इतिहास को बदलते हैं, चैंपियन बनते हैं अपनी फील्ड में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि स्किल्स वाले लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि स्किल्स वाले आदमी हार्डवर्क नहीं करते। और आपको तो पता ही होगा कि बिना हार्डवर्क के आप कुछ भी नहीं पा सकते, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। सब लोग कहते हैं कि तू सिर्फ शुरू तो कर, ख़त्म तो भगवान करेगा। नहीं, शुरू भी तुम्हें ही करना पड़ेगा और ख़त्म भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये कोई महाभारत नहीं है कि तुम्हारा साथ देने के लिए भगवान आएंगे। नहीं, ये ज़िंदगी की लड़ाई है, तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। इतिहास को अक्सर वो लोग नहीं बदलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बल्कि इतिहास को वो लोग बदलते हैं जो थोड़े से पागल होते हैं। जिद्दी बनो, पागल बनो, अनस्टॉपेबल बनो, और पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ दो। कामयाब आदमी आपको पागल ही मिलेगा, इसलिए प्लीज़ पागल बनो, पागल बनो, पागल बनो। और ऐसी पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।